हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो सोनी का ऑटो फोकस सिस्टम है या जो सब्जेक्ट ट्रैकिंग एआई है वो बहुत ही अमेजिंग है। और इतना बढ़िया ऑटो फोकस सिस्टम को सही तरह से यूज़ करने के लिए आपको सब्जेक्ट और सिचुएशन के हिसाब से सही ऑटो फोकस मोड और स्पेशली ऑटो फोकस एरिया मोड को सिलेक्ट कर पाना भी बहुत ही ज़रूरी है। और हम यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं जब हम सोनी के ऑटो फोकस एरिया मोड के ऑप्शन पे बंच ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि वाइड एरिया, जोन, सेंटर फिक्स, स्पॉट स्मॉल मीडियम लार्ज, एक्सपैंड स्पॉट और ट्रैकिंग। तो मैं इस वीडियो में सोनी के सारे ऑटो फोकस मोड और ऑटो फोकस एरिया मोड को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि आपको इसके बाद सोनी के कोई भी ऑटो फोकस मोड और ऑटो फोकस एरिया मोड में से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले अगर सोनी का ऑटो फोकस मोड के बारे में बात करें तो ऑटो फोकस मोड ऑप्शन पे आके हम कैमरा को बताते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट और सिचुएशन में ये आपका सब्जेक्ट को किस तरह से फोकस करेगा। यहाँ पे सोनी का ऑटो फोकस मोड के अंदर आपको 5 ऑप्शंस देने को मिल रहा है, जो कि है FS, FA, FC, DMF और MF। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे AFS यानी कि सिंगल शॉट AF की बात करें तो इस ऑटो फोकस मोड को बेसिकली हम स्टडी सब्जेक्ट को शूट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस ऑटो फोकस मोड में एक सिंगल पॉइंट को लेफ्ट राइट अप डाउन करके आपका सब्जेक्ट के ऊपर रख के शटर बटन को हाफ प्रेस करके आप फोकस कर सकते हैं, और जब तक आपका और सब्जेक्ट का डिस्टेंस या मूवमेंट नहीं होता है फोकस वहाँ पर फिक्स रहेगा। या फिर आप इस ऑटो फोकस मोड में आपका सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर में फोकस करके उसके बाद शटर बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके आप फ्रेम को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो एज आई सेड, इस ऑटो फोकस मोड को आप किसी भी स्टेडी सब्जेक्ट को शूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट को फोकस करने के बाद आपका सब्जेक्ट या आप अगर थोड़ा सा भी मूव करते हो तो यहाँ पे फोकस लॉस्ट हो जाता है और आपको फिर से यहाँ पे फोकस करना पड़ता है। और इसलिए हम किसी भी मूविंग सब्जेक्ट को शूट करने के लिए यूज़ करते हैं AFC यानी कि कंटिन्यूअस AF मोड को। तो बेसिकली AFC मोड में आपका सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट पे आपका कैमरे का शटर बटन को हाफ प्रेस करके आपके सब्जेक्ट को फोकस करने के बाद अगर आपका सब्जेक्ट मूव करता है और आप भी उस शटर बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके रखते हो, या अगर आप बैक बटन फोकस को यूज़ करते हो और एफ ऑन बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखते हो, तो कैमरा कंटिन्यूसली आपका सब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट को ट्रैक करता रहता है। और यहाँ पे आपको भी आपका सब्जेक्ट को आपका सिलेक्टेड ऑटो फोकस एरिया मोड के हिसाब से उस फोकस पॉइंट पे या उस फोकस जोन पे या आपका फ्रेम में रखना पड़ता है ताकि कैमरा उसको ट्रैक कर सके। और अगर आप बैक बटन फोकस को यूज़ करते हो तो आप AFC मोड को AFS मोड के जैसा भी यूज़ कर सकते हो, और आपको बार बार AFC और AFS मोड में से स्विच करना नहीं पड़ता है। और ये मैं मेरा बैक बटन फोकस के वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने बैक बटन फोकस को यूज़ नहीं करते हो तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एज आई सेड के किसी भी स्लो या फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट करने के लिए हम AFC मोड को यूज़ करते हैं, और मैं ऑल टाइम AFC मोड में ही मेरा कैमरा को रखता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑटो फोकस मोड आपको देखने को मिल रहा है वो है AFA यानी कि ऑटोमेटिक AF। तो बेसिकली इस ऑटो फोकस मोड में जब आप कैमरे के शटर बटन को हाफ प्रेस करते हो तो कैमरा आपका सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि ये स्टेडी है या मूव कर रहा है, और इस हिसाब से कैमरा ऑटोमेटिकली AFS और AFC मोड में से स्विच करता है आपके सब्जेक्ट के मूवमेंट के या आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक मोड है। अगर आप टोटली बिगिनर है तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली इस मोड को यूज़ करने के लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो ऑटो फोकस मोड देखने को मिल रहा है वो है DMF यानी कि डायरेक्ट मैनुअल फोकस। तो ये भी बेसिकली ऑटो फोकस मोड है, और इस ऑटो फोकस मोड में आपका सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली फोकस करने के बाद आप डायरेक्टली मैनुअल फोकस को रोटेट करके फोकस को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये मोड जब आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में या कोई भी बहुत ही स्मॉल सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो या बहुत ही फाइन डिटेल या फाइन एफ आपको चाहिए तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैक्रो शॉट्स के लिए या प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए या जहाँ पे आपको सब्जेक्ट का माइक्रो डिटेल चाहिए उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है मैनुअल फोकस MF यानी कि
यहाँ पे अगर आप इस मोड में कैमरा को सेट करके रखते हो तो ये कैमरा का टोटली ऑटो फोकस सिस्टम को कट करता है और आपको यहाँ पे मैनुअल फोकस रिंग को रोटेट करके मैनुअली आपका सब्जेक्ट को फोकस करना पड़ता है। और ये बेसिकली उन सिचुएशन में बहुत ही इफेक्टिव है जहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है और ऑटो फोकस करके आपका सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली मैक्रो फोटोग्राफी में हम मैनुअल फोकस को यूज़ करते हैं और मैनुअल फोकस रिंग को रोटेट करके हम फोकस डिस्टेंस को मैनुअली एडजस्ट करते हैं। सो आई होप के सोनी के सारे ऑटो फोकस मोड के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है इस वीडियो से। तो इसके बाद सोनी का जो ऑटो फोकस एरिया मोड का ऑप्शंस या सेटिंग्स है वो मैं सारे एक एक करके विद प्रैक्टिकल एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आफ्टर माई अपलोड। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक नीचे कॉमेंट पर ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।